कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का विवादित बयान जिस तरीके से सामने आया उसको लेकर सियासी घमासान तेज होता चला जा रहा है। 31 मार्च को एक चुनावी सभा में रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी और अब बीजेपी उस मामले को लेकर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि ये नारी शक्ति का अपमान है और इस तरीके से नारी शक्ति का अपमान दरअसल कांग्रेस की पहचान है। तो बीजेपी इस मामले को लेकर हमलावर है। रणदीप सुरजेवाला पहले भी कई बार बयानों को लेकर फंसते रहे हैं, चाहे रावण को लेकर दिया गया उनका बयान हो या फिर हेमा मालिनी को लेकर दिया गया उनका ताजा बयान हो। अब इस बयान को लेकर सियासी संग्राम तेज है। हेमा मालिनी मथुरा से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी भी हैं और लंबे समय से सांसद भी रही। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो एमएलए। तो हेमा मालिनी को देकर दिया रणदीप सुरजेवाला का बयान अब सियासी संग्राम का सबब बन रहा है। 31 मार्च को उन्होंने एक प्रचार सभा के दौरान हेमा मालिनी को लेकर जो तंज किया था उसको लेकर बीजेपी हमलावर है और बीजेपी का कहना है कि ये नारी शक्ति का अपमान है। तो कांग्रेस की बहुत ही पुरानी आदत है कि महिला विरोधी सोच रखना और इस प्रकार से नारी शक्ति का अपमान करना। यूसीसी हो, शाहबानो हो, शायरा बानो हो, तीन तलाक केस हो, हर जगह उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया है और वोट बैंक के लिए महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है। और आज भी महिला विरोधी सोच जो आई है सामने, ये वही रणदीप सुरजेवाला है जिन्होंने कहा जनता राक्षस होती है। क्या प्रियंका जी लड़की हूं लड़ सकती हूं कहती हैं उन पर कार्रवाई करेगी? क्या राहुल गांधी कार्रवाई करेंगे या ये केवल और केवल अपने वोट को बढ़ाने के लिए महिलाओं की बात करते हैं परंतु कोई कार्रवाई नहीं करते? उनका काम है कहना है ना, विपक्ष है तो थोड़ी अच्छा बोलेंगे मेरे लिए, वो तो खराब ही बोलेंगे। तो ठीक है, उसको हमें काउंटर अटैक करना जरूरी होता है, लेकिन सब प्यार से सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। सो मेरे साथ सब दे रहे हैं, मोदी जी का साथ है, उनका मार्गदर्शन है, योगी जी का नेतृत्व है, तभी सारा काम कर पा रही है। तो संसद से लेकर स्क्रीन तक की बड़ी माहिर खिलाड़ी हेमा मालिनी है जिन्होंने मुस्कुराकर इस मामले को टाल दिया और कहा कि हम जवाब देंगे लेकिन विपक्ष है, मेरे बारे में अच्छा क्या बोलेंगे। लेकिन रवि त्रिपाठी का भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, जरा ये बताइएगा, रणदीप सुरजेवाला जिस तेवर के साथ में बयान दे रहे थे, बीजेपी अब इस मामले को टर्न करते हुए इसे नारी शक्ति का अपमान कह रही है, इस मामले को लेकर क्या कोई सफाई रणदीप सुरजेवाला की तरफ से आई है या कांग्रेस पार्टी की तरफ से? नहीं, अभी तक तो कोई सफाई नहीं आई है। देखिए, आम तौर पे आप भी जानते हैं कि रणदीप सुरजेवाला एक वकील भी हैं और इस तरह के बयान देने से बचते हैं। कई बार, बहुत कम बार उनका विवादित बयान आता है। हालांकि बहुत पहले एक बार किसी आतंकवादी को उन्होंने जी कहा था, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा था, उन्होंने आकर तुरंत अपने बयान को पर सफाई दी थी। और उसके बाद कर्नाटक में जब बजरंग बली का विवाद आया था तब भी उन्होंने कुछ बोला था, फिर उन्होंने अपने बात को वापस लिया था। तो कहीं ना कहीं अभी हाल में अगर आप गौर कर रहे हैं तो सुप्रिया सरनेत का जो बयान है कंगना रनौत को लेकर, उसी तरह से और रणदीप सुरजेवाला का बयान अब हेमा मालिनी को लेकर, तो ये माना जाएगा कि जो महिला हैं, चाहे तो नेत्री हो या अभिनेत्री हो, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का एक फ्रस्ट्रेशन है जो निकल के आ रहा है, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और इसका नुकसान होता है, देखिए, महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, अपनी तरफ से कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसी यूपी का कैंपेन है उनका और लगातार उन्होंने लड़कियों के लिए 50% रिजर्वेशन देने की बात करती हैं। लेकिन जब रवि त्रिपाठी, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस में मीडिया सेल के इंचार्ज रहे, बड़े समय तक कांग्रेस के प्रवक्ता रहे रणदीप सुरजेवाला, आपने कहा वकील भी हैं, यानी तोल मोल के बोल की जो अहमियत है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे में जिस प्रचार के मंच से उन्होंने ये बयान दिया है, क्या ये कहीं ना कहीं उन वोटर्स के बीच में किसी खास तरीके का पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश थी? क्योंकि जिस जगह पर वो प्रचार कर रहे थे माना जा रहा है कि शायद उसकी कोई अपील रही हो, क्योंकि अभी तक कोई सफाई भी नहीं आई है। अरे देखिए, आमतौर पे कांग्रेस में सफाई नहीं है। कांग्रेस में कहा जाता है ये उनका निजी बयान था। आपने देखा होगा कि चाहे मणिशंकर अय्यर हो, दिग्विजय सिंह हो, तमाम ऐसे नेता हैं जो बड़े बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बाद में पार्टी उस बात से किनारा इस लिहाज से करती है कि उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी उससे रास्ता नहीं रखती है। तो कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला के बयान पर भी पार्टी का यही बयान आएगा। हो सकता है रणदीप सुरजेवाला सुलझे हुए नेता है, अगर समझदार होंगे इस मामले में तो कहीं ना कहीं इस मामले में सफाई देकर बच निकले। रवि त्रिपाठी, यानी सफाई की जो प्रेस रिलीज है वो पहले से तैयार है कि उनका निजी बयान बताते हुए इससे किनारा कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका रवि। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं
आपको कि क्या रणदीप सुरजेवाला ने उस प्रचार की सभा में कहा था जिसको लेकर अब सियासी संग्राम बीजेपी बनाम कांग्रेस का मचा हुआ है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई एमहमाल नहीं तो एनी जो Z News।